अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम एक्सप्लोर करने निकले हुए हैं नेचर हम एक्सप्लोर करने निकले हुए हैं, जिसकी खोज में आज हम निकले हैं। अभी हम पहुँचे हैं उमरकोट। असल हमारी डेस्टिनेशन कुछ और है, और आज 13 अगस्त थी, तो 14 अगस्त का कुछ मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को ज़रा सा अच्छा सा सरप्राइज़ दिया जाए, तो सरप्राइज़ के चक्कर में निकला हूँ आज। लेकिन आज मैं पहले आया हूँ उमरकोट। उमरकोट से जाऊँगा एक और जगह है, व्लॉग में देखते रहिएगा, और उसके बाद फिर एक और जगह है जहाँ पे मैं कल जाऊँगा, तो कल हम वहाँ जाएंगे। बाकी अभी अभी जैसे आप देख सकते हैं, पूरा ये उमरकोट का फोर्ट है। ये पुराने ज़माने की तोप केलें, जैसे लड़ाइयाँ वगैरह होती थी, इसे लड़ते थे। और अभी जैसे टैंक्स वगैरह हैं, तो पहले ये चीज़ें होती थी। और आप देख सकते हैं काफ़ी चेंज हो गया है। मैं आई थिंक के 15 साल पहले इस किले में आया था, वो भी एक स्कूल पिकनिक में आया था, और आज 15 साल बाद आया हूँ। बस मुझे ये जगह याद थी कि यहाँ से सीढ़ियाँ आती हैं ऊपर, और ऊपर आके ये मतलब बनी हुई है जगह। यहाँ से पूरे किले का व्यू है, जैसे कि आप देख सकते हैं जी। ये मैंने आपको ऊपर से व्यू दिखाया था, और ये इसका नीचे से व्यू है। ये मतलब वो चीज़ है कि आप ऊपर से जो खड़े होकर अटैक करते हैं, दूर तक गोला जाए, उसके लिए ये इन्होंने आई थिंक के बनाया है। सामने देखें, पाकिस्तान का झंडा पहले से ही लगा हुआ है। अच्छा जी, ये पूरा नक्शा बना हुआ है, और उमरकोट के जो डिफेंडर्स थे उनका आई थिंक ये नाम वगैरह सारे लिखे हुए हैं। अभी हम जाहिर सी बातें पढ़ने बैठा तो काफ़ी देर हो जाएगी, इसलिए बस दूर दूर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बाकी ये उमरकोट का म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम बना हुआ है, ये देखें। अच्छा जी, इस किले की खासियत ये है कि जैसे आपने हीर रांझा सुना होगा, लैला मजनू सुना होगा, लेकिन या ये जो है उमर बादशाह था, और एक मारवी थी जिसकी एक लव स्टोरी कहानी है। कहानी मैं अभी आपको नहीं बता सकता, बाकी बस ये है कि ये जो उमर बादशाह था उसका किला है ये। अच्छा दोस्तों, वो ऊपर से जो मैंने आपको व्यू दिखाया था, मुझे पता चला कि वो वाला म्यूज़ियम नहीं है, ये जो पीछे है ये म्यूज़ियम है। और मैंने कहा यार आए हैं तो पैसे तो वसूल किए जाएँ पूरे। और गर्मी बहुत है, लेकिन ये है कि शाम तक एक्सपेक्टेड है कि बारिश पड़ जाए। ये मेरे दोस्त हैं नजीबुल्ला, मेरे काफ़ी सालों से दोस्त हैं, हमेशा बोलते हैं कि यार मुझे भी अपने साथ ले जाओ, कहीं घुमाओ। हमने कहा आज इनको उठाते हैं साथ और इनको घुमाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर म्यूज़ियम में, और वहाँ पर देखते हैं कि पुरानी चीज़ें। वैसे मुझे इन चीज़ों का शौक़ है कि पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें और जो हमारी तारीखी चीज़ें हैं वो सारी देखी जाएं। तो चलें, अब विंटर हो रहे हैं। ये सामने गेट है म्यूज़ियम का, और जरा अंदर से आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। घड़ी है, टिकट है 20 रुपया। 20 रुपया जी, इसमें जीवन सत्रह। अच्छा जी, हम ऐसे ही जा रहे थे, लेकिन हमें पता चला कि यहाँ पे टिकट है, 20 रुपीज़ की टिकट है। ठीक है, बाहर इन्होंने ये बड़े जो जानवरों के पोस्टर लगाए हुए हैं, लेकिन इनको जो डेकोरेट किया गया है, ये आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने हमारे कल्चर जो होता है, कल्चरल एक कह दें क्राफ्ट वगैरह, वो देखें इन्होंने किया है। और अभी हम जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं अंदर। ये पुराने ज़माने के जैसे हट्स वगैरह में थे, हट्स में रहते थे लोग, वो बना हुआ है जी। ये पुराने ज़माने की गन्स देखें आप, वाह। अच्छा, इनमें से मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन सी गन है। हाँ, मेरे पास ये वाली गन है पर्सनल, ये मेरी है मेरे पास। अच्छा हाँ, ये शील्ड है, ये तलवार है, और ये आप कह लें कि वेस्ट शील्ड जो होती है सीने पे पहनने की, पुराने ज़माने में होती थी वो है। ये भी यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं। आई डोंट नो कि ये कहाँ पे लगाते थे, लेकिन ये भी लड़ाई के टाइम ही काम आती थी। आई थिंक होगी जैसे हम नी पैड्स पहनते हैं, राइडिंग गियर्स वगैरह, वैसे इन्होंने रखे हुए हैं। सो ये चीज़ है ना, मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि पुराने ज़माने में कैसे लोहे का काम होता था,
लोहे का काम ऐसे होता था कि एक बंदा वहाँ से हवा लगाता था और यहाँ पे वो लोहार जो है वो अपना काम करता था। अच्छा, ये मिट्टी के बर्तन जो बनाता है, एक्चुअली सिंधी में कहते हैं कुम्भार, और ये देखें, और हाँ आई थिंक ये चरपाई चरपाई बना रहा है। हाँ, उसी का पाँव है, चरपाई का पाँव, चरपाई बना रहा है। ये खाली जगह है, ये एक हिस्टोरिकल पेंटिंग लगी हुई है यहाँ पे, और हाँ ये लस्सी बन रही है। ओहो, गर्मी के मौसम में लस्सी लस्सी याद आ गई जी। वो ये कोबरा मैन जी, ये एक कल्चरल कह लें आप कि ये बर्थ होता है, सिंधी में कहते हैं इसको बर्थ, मतलब डिज़ाइंस होती हैं जो धागों से बनाई जाती है, सुई धागे से। पहले ज़माने में औरतें बनाती थी, अभी भी होती हैं लेकिन कम देखने को मिलता है। आई डोंट नो कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाथ पाँव अलग पड़े हुए हैं इसके, मुंडी अलग पड़ी हुई है, कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। सही सही। सो दोस्तों, ये था म्यूज़ियम जो मैंने आपको दिखाया, और अब हम आगे की तरफ राइड स्टार्ट करेंगे और बाकी सारी चीज़ें पैक करेंगे, अपनी वापसी की राइड करेंगे, और एक और जगह जाना है, वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगा कि वो जगह क्या है, वो जगह भी एक्सप्लोर करेंगे। मेरा ये तो देखा हुआ था, वो भी मैंने आपको बताया कि बचपन में देखा था, लेकिन अब हम जब नई जगह जा रहे हैं तो उसका फिर मज़ा अलग होगा। वेलकम बैक दोस्तों, और अभी हम तकरीबन 50 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करके आए हैं। बहुत ऑफ रोडिंग थी, वीडियो से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। और अभी हम एक जगह स्टे किया है हमने, हमें पीछे मस्जिद नज़र आ रही थी और ये थोड़ी बैठक टाइप बनी हुई थी। भाई यहाँ पे बहुत अच्छे हैं जो हैं यहाँ के ओनर, तो हमने तो मस्जिद के लिए रोकी थी कि हम थोड़ा फ्रेश हो जाएं नमाज़ पढ़ लें, और जहर का टाइम हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप आएँ, पानी वानी पिएँ और थोड़ा सा रेस्ट करें, यहाँ पर रिलैक्स हो जाएँ। तो अभी हम रुके थे यहाँ पे, तकरीबन आधे पौने घंटे का ब्रेक ले लिया है हमने, क्योंकि आगे हमें 30 किलोमीटर और मतलब ऑफ रोडिंग है हमारी 30 किलोमीटर की। उसके बाद जो हम डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, उसके बाद एक और डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमें नाइट स्टे करना है। तो अभी बस हम निकल रहे थे, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। ये दोस्त मेरे पीछे बैठे हुए और बाइक्स हमारी रेडी हैं, पर यहाँ से हम निकलेंगे और वहाँ जगह का नाम है नौकोट, और अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट थरपारकर है। अच्छा, यहाँ की मज़े की बात ऐसी है कि रोड के एक तरफ उमरकोट है और एक तरफ जो है वो थरपारकर है, मतलब व्हाट अ कोइंसिडेंस। बाकी अब बस हम निकल लें और मिलते हैं फिर नौकोट चल। चलो भाई थे रेडी, चलो उठो, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज, बड़ी मेहरबानी, ओके अल्लाह हाफिज।
वेलकम बैक दोस्तों, वी आर एट द सेकंड डेस्टिनेशन और 30 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग के बाद एक डेस्टिनेशन आई है जिसे आप देख सकते हैं। ये फोर्ट है पूरा, ये बेसिकली इस शहर का नाम है नाउकोट और नाउकोट फोर्ट है ये। दोस्तों पहले मैंने सोचा कि आपको ऊपर ऊपर से दिखा दूं पूरा सारा फोर्ट दिखा दूं और उसके बाद मैंने सोचा कि नीचे जाके तो ये जो जगहें हैं ये सारी एक्सप्लोर करेंगे। वाओ, ये वहाँ पे भी थी लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है बनी हुई जैसे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये आई थिंक ये यहाँ पे जो वॉचमैन्स कह लें, पहरेदार कह लें, ये ऑल ओवर द फोर्ट चारों तरफ ये बनी हुई है ऐसी, जिस पे मतलब जो पहरेदार होते थे वो मतलब 24 घंटे ड्यूटी होती थी उनकी, ताकि कोई अटैक करे तो उसको डिफेंड करें और किले में अंदर बता दें। ये काफ़ी किला बड़ा है, उमरकोट वाला जो किला था उससे मुझे ये बड़ा लग रहा है। वहाँ पे कुछ चीज़ें बनी हुई थी लेकिन यहाँ पे जैसे है कि बीच में थोड़े से स्पॉट हैं, इतने नहीं हैं। अच्छा, ये चारों तरफ हम नहीं घूम रहे, सही है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एनर्जी वेस्ट होगी, हमें आगे की तरफ भी राइड करनी है। तो अच्छा, यहाँ पे भी एक टॉप रखी हुई है और आई थिंक ये बीच में भी टॉप रखी होगी और उसके लास्ट में भी टॉप रखी होगी। ये यहाँ से व्यू है पूरा इसका, फोर्ट का। अच्छा, नीचे मुझे ना एक स्पॉट दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे दरख्त है और नीचे चेयर्स लगी हुई है, तो चल के वहाँ पे थोड़ा सा बैठते हैं, थोड़ी सी सांस लें, पानी वानी पिए और उसके बाद मिलते हैं। अच्छा जी दोस्तों, अभी हम नीचे आ गए फोर्ट में और ऊपर से दिखा दिया था आपको, मैंने सोचा नीचे से भी थोड़ा देखा जाए। ये आई थिंक उनकी आरामगाह है जैसे कह लें, रेस्ट करने के लिए जगह, लेकिन अभी ये सारे दरवाज़े बंद पड़े हुए हैं और एक दरवाज़ा खुला हुआ है, ये हम देख लेते हैं। अच्छा, इस तरह भी ये बंद किया हुआ है, आई डोंट नो क्यों बंद किया हुआ है इन्होंने। भाई देख के जाना पड़ता है इसी जगहों पे, ठीक है, जो ओल्ड प्लेसेस हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और इस तरफ से हम वापस बाहर की तरफ आ गए। अच्छा, यहाँ पे ना ग्रिल्स लगी हुई थी, तो ये आई थिंक कि कैद खाना हो, किसी को कैद करने के लिए, जैसे जेल वगैरह में दरवाजे होते हैं ना, वैसे यहाँ पे लगे हुए थे। ये हम आ गए वापस बाहर की तरफ, वहाँ से इसका एंट्रेंस है, यहाँ पे तोप वगैरह ये सारी डेकोरेशन की हुई है इन्होंने। और
ये सारा इसका व्यू है। चलें जी, ये नाउकोट का जो फोर्ट था ये भी हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ, और आगे हम कहाँ पे स्टे करेंगे अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया। अगर हिम्मत होगी तो आगे जाएंगे, और अब राइड स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ, और खाने के लिए ब्रेक करेंगे, और फिर खाने की जगह पे पहुँच के मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों फाइनली वी आर इन मिट्टी, और अभी हमने लंच ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन टाइम जो हो रहा है ना मैं आपको बता दूँ कि 6 बजे हम दोपहर का खाना खा रहे हैं, और काफ़ी राइडिंग की है हमने, रास्ते में बारिश भी मिली, भीग गए पूरे, सामान भी गीला होते होते बच गया, लेकिन अब बस लंच ब्रेक करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे आगे की तरफ। तो खाना खाते हैं, मिलते हैं खाने के बाद।